अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गुड न्यूज़ आप सबके लिए, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ श्रीनगर की तरफ से। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, उनकी तरफ से जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो, आप लोगों को जॉब की ज़रूरत है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आपके पास इन पोस्ट्स के रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कैसे करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कब तक अप्लाई करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर रखना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ से जाके आपको एक तो ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आपको बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पे, प्राइवेट जॉब्स जो कहीं पे होते हैं वो भी आपको वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट्स ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट्स, यानी कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑफ 2024 डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इन पोस्ट्स के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.sucostkashmir.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू आपको जो है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करें पोस्ट्स के बारे में, नेम ऑफ द पोस्ट्स यहाँ पे पहला जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपको पे स्केल रहने वाला है 35 से लेकर 1,12,000 तक। तीन वैकेंसीज इसके लिए है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डिप्लोमा रिलेक्सेबल इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट्स। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की वैकेंसीज़ है, इसके लिए सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है। एक वैकेंसी इसके लिए है, बैचलर्स डिग्री होने चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए एक वैकेंसी इनको चाहिए, सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है। बीटेक होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक डेयरी इंजीनियरिंग में, या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर मशीनिक यहाँ पे इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो पे लेवल आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आपको बहुत सारे वैकेंसीज मिलेंगे अकाउंट असिस्टेंट में, इसके लिए आपको 29,200 से लेकर 92,000 तक आपको लोगों की सैलरी मिलने वाली है। 15 वैकेंसीज अकाउंट असिस्टेंट की है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें कैटेगरी वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, और आप अगर आप ओपन मेरिट से हो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप बाकी रिजर्वड कैटेगरी से हो और आप लोगों के पास 45% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी एंड एनी अदर डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और एक पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट की, एक वैकेंसी है, पे स्केल यहाँ पे चेक कर सकते हो। मस्ट हैव अ पास द मेडिकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट अदर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल असिस्टेंट में, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 19 वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है असिस्टेंट कम टाइपिंग में, 19 वैकेंसीज पे यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलग अलग कैटेगरीज में। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपके पास नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट में विद लेस देन 35% स्पीड पर मिनट, यानी कि आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर स्पीड पर मिनट तो ही आप एलिजिबल हो, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उसके बाद वेटरनरी कंपाउंडर की एक वैकेंसी इनको चाहिए, पे स्केल यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके पास आपके पास होना चाहिए 10+2 साइंस ग्रुप विद 2 ईयर डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मिस्ट, यहाँ पे कंपाउंडर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, आपने मेडिकल स्ट्रीम में 10+2 किया होगा, और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंपाउंडर में तो ही आप एलिजिबल हो। तो ये सारी वैकेंसीज़ आपको जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वैकेंसीज़ आपको मिल रही है। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने रखी है 18 से लेकर 40 ईयर तक। जनरल कैटेगरी रिजर्वड कैटेगरी के लिए 43, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए 42, इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 40 एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए 48 यहाँ पे एज सर्विस रखी गई है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, 1,000 रुपीज़ आपको मेरिट ओपन मेरिट जो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है उनको 1,000 रुपीज़ यहाँ पे पे करना है एंड जो रिजर्वड कैटेगरीज है उनको 700 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है पेड करना है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड थ्रू आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन डेट्स के बारे में,
5 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप ऑनलाइन इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप में से किसी के पास एप्लीकेशन ये जो क्वालिफिकेशन है और आप इंटरेस्टेड हो इन वैकेंसीज़ के लिए तो अप्लाई ज़रूर करना। एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को जाना है, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई पोस्टर्स के लिए करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई ज़रूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।